बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जुमात चहारम की माशरत इलूम की किताब के बाब अव्वल का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जो कि है तनव्वो और रवादारी, यानी डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तनव्वो यानी डाइवर्सिटी, रवादारी टॉलरेंस। सबक को शुरू करने से पहले चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 की तरफ, और देखते हैं कि डाइवर्सिटी यानी तनव्वो, रवादारी यानी टॉलरेंस से क्या मुराद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको रीडमी पोर्शंस में तनव्वो और रवादारी की डेफिनेशंस दी गई हैं। इनको रीड करते हैं। तनव्वो, डाइवर्सिटी, लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनव्वो डाइवर्सिटी कहलाता है। कि जब किसी एक इलाके में मुख्तलिफ रंग, यानी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भूरे रंग का है, कोई गंदमी रंग का है, नस्ल यानी कोई जट है, कोई सिख है, कोई मौलवी है, कोई मुगल है, कोई पंजाबी है, वगैरह वगैरह, मजहब यानी कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, वगैरह वगैरह, जुबान यानी कोई पश्तो बोलता है, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश, कोई सराइकी, कोई हिंदको, कोई बलोची, इलाके, जैसे मुख्तलिफ ममालिक के लोग इकट्ठे हों या मुख्तलिफ सूबों के या मुख्तलिफ इलाकों के। तो इस लिहाज से लोगों का मुख्तलिफ होना तनव्वो यानी डाइवर्सिटी कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक तस्वीर है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, यानी उसमें काले और सफ़ेद रंग है सिर्फ, और आपके पास एक दूसरी तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ रंग है, तो कौन सी तस्वीर ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी? वो तस्वीर जिसमें मुख्तलिफ रंग है। हमारी दुनिया इसी तनव्वो यानी डाइवर्सिटी की वजह से खूबसूरत है। इसकी मिसाल किसी एक तस्वीर में मुख्तलिफ रंगों का होना है, और किसी भी माशरे में ये खूबसूरती तनव्वो यानी डाइवर्सिटी की वजह से ही आती है, जब वहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर रहें, अमन और एहसन तरीके से रहें। अब हम समझते हैं रवादारी के बारे में कि रवादारी यानी टॉलरेंस क्या है। माशरे में मुख्तलिफ अकीदों, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी टॉलरेंस कहलाता है। कि किसी भी एक इलाके में, किसी भी एक माशरे में जहाँ पर मुख्तलिफ अकीदों, मुख्तलिफ नज़रियात, अकीदे नज़रियात दुनियावी भी हो सकते हैं और मज़हबी भी हो सकते हैं, और रवैयों, इन सब का एहतराम करना रवादारी यानी टॉलरेंस कहलाता है। अब ये दोनों डेफिनेशंस इंटरलिंक्ड हैं। जब किसी एक ख़ास इलाके में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके के लोग रहेंगे और उनके दरमियान एहतराम होगा, वो मोहब्बत से रहेंगे, अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से रहेंगे, तो इसी को रवादारी कहते हैं। और दुनिया इसी निज़ाम के तहत चल रही है कि दुनिया में जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी जो सोसाइटी है, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, लेकिन आपने सबका एहतराम करना है, सबके साथ एहसन तरीके से चलना है, तभी ये दुनिया तरक्की करेगी और अमन की फिज़ा कायम रहेगी। अब वापस चलते हैं पेज नंबर 7 पर और इस सबक की पढ़ाई को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ रंग, यानी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गंदमी रंग का है, नस्ल, नस्ल कोई जट है, कोई सिख है, कोई मौलवी है, कोई मुग़ल है, कोई पंजाबी है, जुबान कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई बलोची बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, और इलाके यानी कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई बलोचिस्तान से है, कोई सिंध से है, तो इसमें इलाके की तफरीक भी हो गई, से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में, कि पाकिस्तान की तरह तकरीबन हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, यानी वहाँ रहते हैं। ये लोग मुश्तरिका खुसूसियात की बिना पर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं।
लेकिन ये मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग किसी मुश्तरिका खुसूसियात की बिना यानी उसकी वजह पर मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जुबान, इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग क्यों इकट्ठे रहते हैं? मजहब की बिना पर। बरसगीर के मुसलमानों ने अंग्रेजों और हिंदुओं से अपने लिए अलग वतन हासिल किया इस बिना पर कि उनका मजहब उनसे मुख्तलिफ है, यानी कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं और हिंदुओं और अंग्रेजों के साथ वो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी तरह अगर हम दुनिया के बाकी ममालिक को देखें तो कोई इक्तसादी वजूहात की बिना पर यानी उनकी इकोनॉमिक चॉइसेस एक हैं इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं। कुछ की इलाकाई हदूद ऐसी हैं कि वो इकट्ठे रहते हैं, जैसे बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन उसकी जोग्राफियाई हदूद की वजह से इख्तलाफ पैदा हुए जिसकी वजह से अब बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। यानी उनमें कोई मुश्तरिका खुसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो इकट्ठे रहते हैं, फिर वो मजबूरी भी हो सकती है और उनकी अपनी पसंद भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वजूहात लिखना चाहूँगी जिनकी बिना पर लोग अलग मुल्क या एक ख़ास इलाके में रहते हैं, जिसमें आता है मजहब, इक्तिसादी वजूहात, जोग्राफियाई वजूहात, तालीमी वजूहात वगैरह वगैरह। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कमोबेश हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, जुबान और इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। ये लोग मुश्तरिका खसूसियात की बिना पर मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। नीचे एक्टिविटी दी हुई है, इसको रीड करते हैं। सोचिए और जवाब दें, थिंक एंड आंसर। क्या आप साथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? आपके जो साथी हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हैं, आपके घर के इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं आपके, क्या आप उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं? जी हाँ, मैं अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहती हूँ। मिलजुल कर रहने के कोई से दो फायदे लिखें कि जब आप मिलजुल कर रहते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इत्तेफाक में बरकत होती है। सेकेंडली, अमन सुकून की फिजा कायम होती है। फर्स्ट, इत्तेफाक में बरकत होती है। सेकेंड, अमन व सुकून की फिजा कायम होती है। जब किसी माशरे में लोग एहतराम और एहसन तरीके से रहते हैं तो वहाँ पर अमन व सुकून की फिजा कायम रहेगी। दूसरा, वो माशरा तरक्की भी करेगा क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 की तरफ। इस टॉपिक में आपको एग्जाम्पल के ज़रिए तनवो और रवादारी के बारे में बताया गया है, इसको रीड करते हैं। हसन इस्लामाबाद में रहता है, उसके अब्बू सरकारी मुलाजिम हैं। हसन के ख़ानदान की तरह और भी बहुत से ख़ानदान यहाँ रहते हैं। शाम को सब बच्चे पार्क में जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक पार्क है जहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे खड़े हुए हैं। माइकल, एंजली, हरजीत सिंह और युयान से हसन की गहरी दोस्ती है। अब ये हमने मुख्तलिफ बच्चों के नाम पढ़े हैं। माइकल, ये ईसाइत यानी ईसाई लोग अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं। एंजली नाम भी ईसाइत मजहब वाले अपने बच्चों से रखते हैं। हरजीत सिंह, ये है सिख, और युयान, ये है हिंदू नाम, से हसन की गहरी दोस्ती है। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि हसन की दोस्ती मुख्तलिफ मज़हब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के साथ है। ईद के मौके पर सब उसे मुबारकबाद देते हैं। ईद जो कि मुसलमानों का त्यौहार है तो दूसरे मज़ाहिब के बच्चे भी हसन को ईद की मुबारकबाद देने आते हैं। हसन भी उनके त्यौहारों, तो जब उनके त्यौहार होते हैं तो हसन भी, क्रिसमस ये ईसाइयों का त्यौहार है, दिवाली ये हिंदुओं का त्यौहार है, बैसाखी
ये भी हिंदुओं का त्यौहार है। और स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग फेस्टिवल पंजाब की सूबे में मनाया जाता है पर उनके घर जाता है। ये सब बच्चे हसन को ईद के मौके पर मुबारकबाद देने जाते हैं, तो हसन भी जब उनके त्यौहार होते हैं तो उनके घर आता जाता है। सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं, यानी ये जितने भी बच्चे इकट्ठे रहते हैं और इनकी फैमिलीज एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। इस्लामाबाद की तरह दुनिया में और भी बहुत से ऐसे शहर और जगह हैं जहां मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। माशरे में रहने वाले लोग अलग अलग सलाहियतों यानी सिफात और खूबियों यानी खूबियाँ के मालिक होते हैं, यानी उनमें डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं। हर एक की अपनी और डिफरेंट फील्ड है, जैसे इनमें कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई फाइनेंस से ताल्लुक रखेगा, किसी की जॉब बैंक में होगी, कोई बिजनेस करेगा। तो हर माशरे में रहने वाले लोग मुख्तलिफ सलाहियतों, खूबियों, सिफात के हामिल होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हों तो हर काम कम वक्त और आला दर्जे में तकमील यानी मुकम्मल होता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है और अमन की फिजा कायम होती है। ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि एक माशरा तरक्की कैसे करता है। एक माशरा तरक्की तब करता है जब उसमें डॉक्टर भी मौजूद हो, उस्ताद भी, बड़ई भी, मजदूर, ड्राइवर, पायलट, कारोबार करने वाला, बैंकर भी मौजूद हो, ज़रई पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हो, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, यानी आपको कोई हुनर आता है, आपको कोई काम आता है, लेकिन आपको सारे हुनर और सारे काम नहीं आते। मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं लेकिन आप डॉक्टर तो नहीं हैं, आप बड़ई भी नहीं हैं, आप मजदूर भी नहीं हैं, आप पायलट भी नहीं हैं, तो ये काम कौन करेगा। इसी तरह माशरे में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग खसूसियात, सलाहियतों और खूबियों के हामिल होते हैं। जब ये सारे लोग अपना काम ठीक तरीके से करते हैं तो काम कम वक्त में भी होता है और आला दर्जे में यानी अच्छे से अच्छे तरीके में ये मुकम्मल हो जाता है, जिसकी वजह से माशरा तरक्की करता है और वहाँ पर अमन की फिजा कायम होती है। यहाँ पर मुल्क का जिक्र किया गया है कि इसी तरह जब किसी मुल्क में मुख्तलिफ सलाहियतों और खूबियों के हामिल लोग मौजूद होते हैं तो वह अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, जिससे मुल्क तरक्की करता है। और ये तब मुमकिन होगा जब हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, यानी रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, तभी एक माशरा तरक्की करेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत की तरक्की का सबसे अहम नुक्ता ये है कि वहाँ पर तनवो यानी डाइवर्सिटी मौजूद हो, मुख्तलिफ रंग, नस्ल, मजहब, ज़ुबान और इलाके के लोग मौजूद हों और वो सब एक दूसरे के अकायद, नज़रियात और रवैयों का एहतराम करते हों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अमन और तनाज़ा, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अमन यानी पीस, तनाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। अमन पीस के मानी सुकून के और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं। अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फिजा कायम होती है। हर माशरे में चूंकि मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है, लोगों के दरमियान उसूलों और मफादात का टकराव, मफादात प्रायोरिटी, टकराव यानी क्लैश आना को तनाज़ा कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़े की शक्ल इख्तियार ना करे, हर किस्म के इख्तलाफ को अमन सुकून और बातचीत से दूर किया जाए। ये हमने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें हमने अमन, इख्तलाफ और तनाज़े के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अमन के बारे में। अमन के मानी सुकून के और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं, यानी किसी भी जगह का पुरसकून माहौल जहाँ लोग आज़ादी के साथ लड़ाई झगड़े के बगैर अपनी ज़िंदगी बसर करें, इसको अमन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इख्तलाफ और तनाज़े के बारे में।
तनवो यानी डाइवर्सिटी की वजह से चूंकि मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। इख्तलाफ ये है कि जब दो लोग एक दूसरे के राय से मुतफिक ना हो, लोगों के दरमियान उसूलों और मफादात के टकराव को तनाज़े कहते हैं। लेकिन जब ये इख्तलाफ जबानी हद से बढ़ जाए, यानी जब ये लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार कर ले, तो इसको तनाज़े कहते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि किसी भी सूरत में इख्तलाफ तनाज़े की शक्ल अख्तियार ना करे, यानी हमें ये चाहिए कि जबानी हद तक जो इख्तलाफ है उसको किसी भी सूरत में तनाज़े यानी लड़ाई झगड़े तक पहुँचने ना दे, उससे पहले ही हम उसको बातचीत के जरिए हल कर लें। अब सेकंड पैराग्राफ को रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अमन, इख्तलाफ और तनाज़े के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि इख्तलाफ या तनाज़ात क्यों पैदा होते हैं। दूसरों के बारे में हमारी सोच और ख्यालात हमारे रवैयों को तश्कील देते हैं, यानी हमारा किसी के बारे में ख्याल या सोच हमारे बिहेवियर यानी हमारे बर्ताव को तश्कील देता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे रवैये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी के बारे में मनफी रवैया रखते हैं तो हम इसे हमेशा गलत ही समझेंगे, यानी अगर हम किसी को नापसंद करते हैं तो वो जो भी करें हम हमेशा उनको गलत ही समझेंगे। हमारे इस रवैये से तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मस्बत रवैया दूसरों के बारे में मस्बत राय और अच्छी सोच रखने में मदद देता है। यूँ मस्बत रवैयों की वजह से अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। तनाज़ात की बदौलत लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और तरक्की रुक जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मनफी रवैयों यानी अपनी मनफी सोच को मस्बत रवैयों और मस्बत सोच में बदलें, जिससे हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे रियासत में अमन और एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। नीचे टीचिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। तलबा को तनवो का तसव्वुर मिसालों के ज़रिए से समझाएं और बताएं कि किस तरह एक माशरे में मुख्तलिफ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, रवादारी के साथ एक दूसरे को समझते, कबूल करते और बर्दाश्त करते हैं। इससे सेहतमंद माशरा वजूद में आता है। यहाँ पर तनवो और रवादारी का जिक्र किया गया है कि तनवो क्या है, कि जब मुख्तलिफ लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं। रवादारी क्या है, कि जब हम उन मुख्तलिफ लोगों के साथ इकट्ठे रहें, उनको समझें, उनको कबूल करें और उनको बर्दाश्त करें। जब हम उनको कबूल नहीं करते, उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर इख्तलाफात और तनाज़ात पैदा होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 की तरफ। हम अपने रवैयों में बेहतरी लाकर तमाम तनाज़ात और मामलात हल कर सकते हैं, ख्वाह वो घरेलू सतह के हों या मोहल्ले की सतह के, या फिर वो रियासत की सतह पर ही क्यों ना हो किसी दूसरे रियासत के साथ। हम में से कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता। ज़्यादातर लोग तनाज़ात से बचने की कोशिश करते हैं ताकि अमन से रह सके। तनाज़ात लंबे अरसे तक मौजूद रहे तो कई मसाइल पैदा होते हैं। हमें चाहिए कि हम आपस के तनाज़ात ख़त्म करके अमन व अमान से रहें। इख्तलाफात को दूर करके मस्बत रवैये इख्तियार करके हम अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इख्तलाफात दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है और दूसरों की राय का एहतराम करना है। अगर हम खामोशी से दूसरों की राय भी सुने और उसका एहतराम भी करें तो इख्तलाफात तनाज़ात माशरे में पैदा ही नहीं होंगे, और अगर इख्तलाफात तनाज़ात कहीं पैदा हो भी जाएं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसको बातचीत के ज़रिए हल करें। नीचे हमारे पास कुछ तरीके दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। हम दर्जेल तरीक़ों से तनाज़ात को ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बात करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। हम अपनी सोच और एहसासात को मुनासिब अल्फाज में बयान करके बातचीत का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने किसी तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल करना है, लेकिन किसी भी मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए हमें मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले दूसरे शख्स की बात तवज्जो से सुने, उसे बात मुकम्मल करने का मौका दें, फिर अपना नुक्ता नज़र बयान करें। नुक्ता नज़र यानी राय, ओपिनियन। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, तो उसके लिए हमें पहले दूसरे शख्स की भी बात सुननी है। जब हम उनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे और उनको बात मुकम्मल करने का मौका देंगे, फिर हम अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखेंगे। दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना सीखिए, इससे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं।
अगर तनाज़ात ख़ुद ख़त्म ना कर सके तो किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाकर फ़ैसला करवाएं और सालिस का फ़ैसला खुश दिली से कबूल करें। यहाँ पर ज़िक्र किया गया है सालिस का, जिसको इंग्लिश में आर्बिट्रेटर कहते हैं। सालिस या आर्बिट्रेटर वो शख्स होता है जो कि उन दो अफराद जिनमें तनाज़े होता है उन दोनों की भलाई चाहता है, लेकिन दोनों में से किसी की तरफदारी भी नहीं करता, बल्कि जो शख्स सही पर होता है उसी के हक़ में फ़ैसला देता है। तो यहाँ पर हमने कुछ तरीके सीखे जिनसे हम तनाज़ात को हल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका ये है कि हमने बातचीत के ज़रिए उसको हल करना है, जिसमें हमें मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना है, हमें दूसरे शख्स की बात सुननी है, उनके नुक्ते नज़र को समझना है, और फिर भी अगर तनाज़े यानी इख्तलाफ ख़त्म ना हो तो हमें किसी तीसरे फ़र्द को सालिस बनाना है और फिर सालिस का फ़ैसला खुश दिली से कबूल करना है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। ज़रा रुकिए और बताइए, स्टॉप एंड टेल, तनाज़े को किस तरह कम या ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। यह भी हमने रीड किया है कि तनाज़े को बातचीत के ज़रिए कम या ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा अमन और तनाज़े, पीस एंड कन्फ्लिक्ट का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सबसे पहले अमन के बारे में पढ़ा कि किसी भी जगह का पुरसकून माहौल जहाँ लोग आज़ादी के साथ लड़ाई झगड़े के बगैर अपनी ज़िंदगी बसर करें उसको अमन कहते हैं। फिर चूंकि माशरे में मुख्तलिफ अकायद और नज़रियात के लोग मौजूद रहते हैं तो कभी कभार एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है। शुरू में ये इख्तलाफात ज़बानी हद तक होते हैं, लेकिन अगर इनको ठीक वक्त पर हल ना किया जाए तो ये तनाज़ात की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तनाज़ात को अगर वक्त पर हल ना किया जाए तो ये माशरे के लिए ख़तरनाक सूरत अख्तियार करता है, और तनाज़ात को दूर करने का बेहतरीन हल बातचीत है और दूसरों की राय का एहतराम है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा तनव्वो और रवादारी के बारे में। हमने पढ़ा कि हर मुल्क में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब के लोग आबाद होते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां सिर्फ एक ही नस्ल, मज़हब या एक ही रंग के लोग बसते हों। लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनव्वो यानी डाइवर्सिटी कहलाता है, और ऐसे ही मुख्तलिफ सलाहियतों और खूबियों वाले लोग जब मिलजुल कर पुरअमन तरीके से रहते हैं तो माशरे में, मुल्क में या रियासत में तरक्की का अमल तेज़ हो जाता है। दुनिया में तनव्वो यानी डाइवर्सिटी होने की वजह से तमाम लोगों में नज़रियात और अकायद के लिहाज से फ़र्क मौजूद है। अगर इस फ़र्क को मलहूज रखेंगे तो माशरे की तरक्की के लिए फ़ायदा मंद होगा, लेकिन अगर इस फ़र्क को हमने इख्तलाफ का ज़रिया बना दिया तो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। लोगों के नज़रियात और अकायद उनका ज़ाती मामला है, हमें उनमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो माशरे में मुख्तलिफ नज़रियात और रवैयों का एहतराम करना रवादारी यानी टॉलरेंस कहलाता है, और रवादारी के ज़रिए ही माशरे में अमन व अमान और तरक्की की फ़िज़ा पैदा होती है। इसके अलावा हमने अमन और तनाज़े के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस सबक को कम्प्लीट करेंगे और फिर उसकी मशक करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।